अमेरिका ने चीन को एक और झटका दिया। और आपको बता दें, यह झटका चीन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में अगर लड़ाई होती है तो अमेरिका को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने नई जनरेशन की सैटेलाइट लॉन्च की है। पहले अमेरिका की एयरफोर्स के जीपीएस का विंग रहे स्पेस फोर्स ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से पृथ्वी की कक्षा में अपने सबसे एडवांस सैटेलाइट लॉन्च की है। और यह पहले से मुकाबले कहीं ज्यादा सटीक उत्तर देती है। आपको बता दें, चीन ने भी हाल ही में जीपीएस बेडू को आखिरी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और अभी तक चीन अमेरिका का जीपीएस इस्तेमाल कर रहा था। अमेरिका का SB-03 मौजूदा जीपीएस सिस्टम में शामिल होगा, जिसमें पहले से 31 ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट है। आपको बता दें, यह मिलिट्री कोड की क्षमता वाली 22वीं सैटेलाइट होगी। इससे पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइम से जुड़ी सर्विस अरबों लोगों को मिलेगी। जीपीएस थर्ड सबसे नई जनरेशन की सैटेलाइट है और यह पहले से 3 गुना ज्यादा सटीक है। और यह डिवाइस जैम को कैंसिल करने की क्षमता भी रखती है, वह भी 8 गुना ज्यादा। यह मिलिट्री की निगाह को और तेज करेगी और आम लोगों को सहूलियत तो पहुंचाएगी ही। आपको बता दें, यह काफी पहले होने वाला था लॉन्च, लेकिन कोरोना की वजह से इसको टालना पड़ा था। लेकिन अभी हाल के हालातों को देखते हुए अमेरिका ने इसको लॉन्च कर दिया है। अब यह स्पेस में अमेरिका की स्थिति को और ताकत को और भी मजबूत करेगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने ही घर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चीन का साथ देना बहुत भारी पड़ रहा है। चीन के समर्थन को लेकर पाकिस्तानी विदेश विभाग ने प्रधानमंत्री इमरान खान को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। विदेश विभाग ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर पाकिस्तान ने चीन का साथ देना नहीं छोड़ा तो उसे दुनिया पर अलगाववाद का सामना करना पड़ेगा, दुनिया उनको अलग थलग छोड़ देगी। हाल ही में चीन के कहने पर पाकिस्तान ने लद्दाख से लगी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया है। विदेश विभाग ने कहा कि भारत से तनातनी और कोरोना के कारण चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर पाकिस्तान चीन के साथ अपनी नीतियों की समीक्षा नहीं करता है तो वह विश्व की इन सभी बड़ी आर्थिक महाशक्तियों के गुस्से को भी भड़काएगा। ये महाशक्तियां भारत के साथ टकराव के बाद चीन को दुनिया पर अलग थलग करने के लिए काम कर रही है। चीन के विस्तारवादी नीतियों और हठधर्मिता का अमेरिका समेत यूरोप के कई देश खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। चीन का आंख मूंद कर समर्थन कर रहे पाकिस्तान को यह पहला झटका तब लगा जब यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के विमानों को उड़ान भरने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। पाकिस्तान ने यूरोपीय देशों को बहुत समझाने का प्रयास किया कि उसके पास योग्य पायलट हैं, लेकिन इन देशों ने अपने फैसले को नहीं बदला। चीन के खिलाफ केवल दुनिया भर में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे गिलगित बाल्टिस्तान में भी जमकर विरोध हो रहा है। यहाँ के नागरिकों का आरोप है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में स्थानीय नागरिकों को कोई भागीदारी नहीं दी जा रही है, जबकि यहाँ के रिसोर्स का जमकर दोहन किया जा रहा है। इस परियोजना में काम करने के लिए चीन से सस्ते मजदूर बुलाए जा रहे हैं। चीन यहाँ की परंपराओं का भी सम्मान नहीं कर रहा है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एक जैसी चुनौतियों के आगे दोनों देशों के बीच एक दूसरे का समर्थन करने की परंपरा रही है। भारत चीन के सीमा विवाद के बीच कुरैशी ने अपने चीनी समकक्ष वांगी से शुक्रवार को फोन पर बात भी की और इसमें मुख्य रूप से LAC पर जो हालात बने हुए हैं उस पर चर्चा हुई। पाकिस्तान ने फिर से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया और कहा कि वह हांगकांग, ताइवान, तिब्बत और जिंजियांग में चीन का समर्थन करता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने मिलिट्री और इंटेलिजेंस के टॉप अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, जिसका एजेंडा भारत चीन सीमा विवाद के आसपास ही है। हाल ही के दिनों में एक खबर आई थी कि चीन की तरफ से एक ट्वीट हुआ था, वह भी रूस को निशाने पर लेते हुए। और आपको बता दें, रूस और चीन की जो संबंध है वह एक दोधारी तलवार की तरह है। रूस का व्लादिवोस्तोक शहर इन दोनों के बीच के संबंध का एक ऐसा टाइम बम है जो कभी न कभी जरूर फटेगा। आपको बता दें, चीन रूस के इस अविकसित इलाके को विकसित करने के लिए $10 अरब का निवेश कर रहा है
और इस निवेश से रूस चीन दोस्ती बढ़ने के बजाय तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन के भारी भरकम निवेश की वजह से बड़ी संख्या में चीन के मजदूर इस इलाके में आ रहे हैं। इससे चीन को लेकर इलाकों में डर बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का माने तो यह इलाका अब अघोषित रूप से चीन का हो गया है और चीन कभी भी इस पर कब्जा जमा सकता है। एक अनुमान है कि रूस के इस इलाके में 3 से 5 लाख चीनी लोग रहते हैं। रूस और चीन के बीच साल 1960 के दशक में सीमा विवाद को लेकर युद्ध भी हो चुका है। एक तरफ जहां रूसी इलाके अभी विकास की बाट जोह रहे हैं, तो वहीं इस सटे चीनी इलाके में जमकर विकास हुआ है। यह पूरा इलाका प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल और गैस से भरा हुआ है, लेकिन रूस के लिए संकट का कारण बना हुआ है। रूस ने हाल ही में 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन को चीन को 49 साल के लिए लीज पर दिया है। रूस में इस फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को मैनेज कर लिया गया तो ठीक है, नहीं तो यह टाइम बम पर बैठा है और कभी भी युद्ध का कारण बन सकता है। वैसे रूस ने कुछ दिन पहले ही चीन के खुफिया एजेंसी के ऊपर पनडुब्बी से जुड़ी टॉप सीक्रेट फाइल चुराने का आरोप लगाया था। इस मामले में रूस ने अपने एक नागरिक को गिरफ्तार भी किया था और जिस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। आरोपी से रूस की सरकार पर बड़े ओहदे पर था जिसने इस फाइल को चीन को दिया था। एशिया में चीन की विस्तारवादी नीतियों में भारत को सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन आने वाले समय में यह रूस के लिए भी खतरा है। दरअसल यह बात ऐसे उठ रही है कि दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करने के फिराक में लगे चीन ने एक और मोर्चा खोल दिया। चीन के सरकारी न्यूज चैनल CGTN के संपादक सेन सिवई ने दावा किया कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि इस शहर को हेसन वाई के नाम से जाना जाता था और रूस ने एक तरफा संधि के जरिए इसे छीन लिया था। दरअसल व्लादिवोस्तोक शहर की स्थापना के उपलक्ष्य में चीन में रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी और इस ट्वीट के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने ट्वीट करके इस शहर को चीन का हिस्सा बताया। इसी विवाद में CGTN के संपादक सेन सिवई भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि रूसी दूतावास के इस पोस्ट को चीन के सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर पसंद नहीं किया गया। व्लादिवोस्तोक का इतिहास 1860 से परा है, जब रूस ने इसे एक सैन्य अड्डा बना लिया। सिवई ने कहा कि रूस के साथ ओस्मान संधि से पहले हेसनवाई शहर चीनी जमीन का हिस्सा था। सिवई का यह ट्वीट वायरल होने के बाद उन्होंने सारा दोष भारतीय मीडिया को मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि सीमा संधि पर हस्ताक्षर हो गया है, इसलिए मेरा ट्वीट जमीन के दावे को लेकर नहीं है। सिवई ने भले ही अपने ट्वीट को लेकर सफाई दे दी हो, लेकिन चीन के मन में चल रही कुटिल योजना अब सबके सामने आ गई है। चीन में जितने भी मीडिया संगठन है सभी सरकारी है और इसमें बैठे लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर ही कुछ भी लिखते और बोलते हैं। रूस का व्लादिवोस्तोक शहर प्रशांत महासागर में तैनात उसके सैन्य बेड़े का प्रमुख बेस है। रूस के उत्तर पूर्व में स्थित यह शहर प्रिमोस्की क्राय राज्य की राजधानी है। यह शहर चीन और उत्तर कोरिया के सीमा के नजदीक स्थित है। व्यापारिक और ऐतिहासिक रूप से व्लादिवोस्तोक रूस का सबसे अहम शहर है। रूस से होने वाले व्यापार का अधिकांश हिस्सा इसी पोर्ट से होकर जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में भी यहाँ जर्मनी और रूस के सेनाओं के बीच भीषण युद्ध लड़ा गया था। विशेषज्ञों का माने तो व्लादिवोस्तोक शहर और उसके आसपास का इलाका भू राजनीतिक टाइम बम पर बैठा है और उसको लेकर कभी भी रूस और चीन के बीच लड़ाई हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि चीन तब तक केवल शांत है जब तक उसकी सैनिक क्षमता और परमाणु हथियार रूस के बराबर नहीं हो जाते हैं, और इसी को समझते हुए रूस भारत को लगातार हथियार मुहैया करा रहा है ताकि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बना रखे। भारत और चीन के बीच सीमा में संघर्ष और इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की महत्वाकांक्षा सामने आना कोई संजोग नहीं है। ऐसा माने कि नेपाल में जो ये युवा चीनी राजदूत हो यानकी है, इन्होंने नेपाल की सीमा से लेकर इन सारे खेल को पर्दे के पीछे बहुत अच्छे से निभाया है।
यानकी ने कॉमरेड ओली को यह फैसला लेने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत की उत्तराखंड राज्य के हिस्सों को अपने नक्शे में दर्शा रहे नेपाल की इस चाल के पीछे चीनी राजदूत की कूटनीति और दिमाग लगा हुआ है।